अस्सलामु अलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग। खुश आमदीद आप सब लोग का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। सुबह मतलब जो है वो 10:30 आप समझ लीजिए, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, सुबह को ही उठ जाती हूँ खैर से और काफ़ी काम निपटा लेती हूँ सुबह को उठ के। तो जो है अरशमान ज़रा देर से उठते हैं, उरहान मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो बस राइडर जो है वो सुबह से ही चक्कर लगा रहे थे और मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी, तो उसके हिसाब से जो है वो राइडर सुबह से ही जो है वो कॉल्स आ रही थी। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से दोनों तीनों राइडर आकर सामान जो भी था वो देकर चले गए थे। तो यहाँ पर जो है ना वो जितनी भी चीज़ें थी वो मुझे मिल चुकी थी। और बस आज मैं आपको छोटा सा ही अपना व्लॉग दिखाऊंगी। मुझे कभी कभार समझ नहीं आता कि क्या चीज़ मैं जो है वो दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं व्लॉग दिखाऊं और बस अपनी वो बातें करूं जो कि दिल की बातें हैं, और बच्चों के हवाले से कुछ बातें बताऊं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी लिटिल स्टार है तो बच्चों की बातें करना भी मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ये करता है कि मतलब मेरा व्लॉग कोई देखे तो वो फ़्रेश हो जाए, वो अपने आप में जो है ना वो एक अच्छी सी फीलिंग महसूस करे कि बच्चे देख लिए। और बच्चों के जो चीज़ें होती हैं और बच्चों के साथ जो व्लॉग बना रही होती हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है। तो कभी कभार सोचती हूँ कि जो है वो आप लोगों को भी वैसे ही मज़ा आता है व्लॉग देखने में। तो बस यहाँ पर अरशमान जो है वो उठ गए थे, तो उनको जो मैंने अपना वॉलेट दिया और उनसे कहा कि आप जो है पार्सल लेकर आएँ, और सारे पार्सल तकरीबन अरशमान ही लेकर आए थे। तो बस इस तरीके से एक के बाद दीगरे मुझे पार्सल सारे रिसीव होते गए। और अब आपको मैं घर का अशर दिखाती हूँ। मैंने जो है वो गर्म कपड़े निकालने के लिए जो है ना मैट्रेस को पीछे किया था, और मैट्रेस को पीछे करते ही ये हाल था। ये आप देखें कि मतलब मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो मैं रूम की कुंडी या रूम के कह लीजिए लॉक करके ना डोर, फिर मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना वो गेमिंग होने लगती है जंपिंग वाली। और बस थोड़ी देर छोड़ देती हूँ इनको, चलें कर लें। और साथ साथ यहाँ गैस नहीं आ रही थी और घर में कुछ था भी नहीं, तो मैंने कहा चलें बच्चों को जो है वो आज लेके जाती हूँ। अरशमान से मैंने कहा आप चेंज कर लें, उरहान को मैंने तैयार कर लिया था। अरशमान माशाल्लाह अपने जो है ना चीज़ें आप ख़ुद चेंज कर लेते हैं और फ़ौरन जाके जो है ना वो अप टू डेट वाला बिल्कुल चेंजेस कर कर आ जाते हैं, अपने कपड़ों के साथ अपनी वॉच हर चीज़ माशाल्लाह आप कर लेते हैं। तो बस वो यहाँ पर जो है वो उरहान को मैंने तैयार कर लिया था और अरशमान जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो जाएंगे। बस थोड़ा सा हम सामान लेकर आएंगे, बच्चों के लिए कुछ मैंने लेकर आना था और मैंने हेल्पर से भी बात करनी थी। मुझे ये था कि हेल्पर से बात कर लूँगी, अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं ले आई थी यहाँ पर। वैसे तो अब्बू मुझे सब कुछ ला देते हैं, लेकिन जो चीज़ें अब्बू को समझ नहीं आती तो फिर मैं लिखती रहती हूँ और फिर मैं जो हूँ एक ही दफ़ा निकल के ना लेकर आ जाती हूँ कि बस अब्बू को ये फ़्लेवर वगैरह ये चीज़ें समझ नहीं आ रही बच्चों के साथ। और ज़्यादातर मुझे हेल्पर से भी बात करनी थी, अब्बू हेल्पर से बात नहीं कर सकते थे। और यहाँ मेरा व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।